अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल एक्सेस बुखारी ऑफिशियल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैलकुलस की एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें आज हमारे पास है 3.7। इसके क्वेश्चन हम करने लगे हैं। टॉपिक का नाम है डेल हॉस्पिटल रोड जी, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने लगे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस log ऑफ x। इसको हम लिमिट पुट करते हैं x अप्रोचेस टू 1। अब 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 1 की पावर 3 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस log ऑफ 1 जी। 1 की पावर 3 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 1। log ऑफ 1 हमारे पास जो होता है ये हमारे पास 0 की पावर, ठीक है। 1 माइनस 1 0 ओवर 0 फॉर्म, जीरो और जीरो फॉर्म जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये हमारे पास। अगर लिमिट पुट करने पे आंसर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने आता है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं डेल हॉस्पिटल रूल। वो क्या है कि हम ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन का, ऊपर जो अल्जेब्रिक टर्म चल रही है, ऊपर जो भी फंक्शन है, जो भी वैल्यू है, उसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका भी अलग डेरिवेटिव। ये काम हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास आंसर डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो जीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये हमारे पास जीरो ओवर जीरो फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर हमने डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है जी। हम लिखेंगे अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वैसे आएगा हमारे पास x की पावर x का डेरिवेटिव, अपने इसका डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले वैल्यू का भी डेरिवेटिव लेना है। d ओवर dx ऑफ x की पावर x माइनस x ओवर d ओवर dx ऑफ 1 माइनस x प्लस log ऑफ x। ये पहला टास्क है कि हमने x की पावर x का डेरिवेटिव लेना है जी। x की पावर x का मतलब यह है कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। अगर हमारे पास इस टाइप का सीन बन जाए कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल की पावर में कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव एक रूल है जिसको हम पावर रूल का नाम देते हैं, कि पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। बट अगर वेरिएबल की पावर में अगेन वेरिएबल आ जाता है तो वो हमारे लिए डिफिकल्टी है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जो हम यूज करेंगे। अब हम लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हमने y का नाम दे दिया है, y इज इक्वल टू x की पावर x। अब हम हमारा टास्क ये है कि पावर जो है जिसमें वेरिएबल है उसको पहले लेके आए। इसको पहले लेके आने के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। लॉग नेचुरल लॉग हम अप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड में हम नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये अगर नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x, ठीक हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि पावर है तो पहले आ जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर पहले आ जाएगी, पावर हमारे पास आ जाएगी x log of x इज इक्वल टू log y जी। अब पावर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने इसको x के हवाले से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसके हवाले से करना है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व किया गया है। अब x की पावर x, x वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके हवाले से डिफरेंशिएट करेंगे जी। log ऑफ y का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर y। याद रखिए log का डेरिवेटिव हमेशा 1 ओवर में आ जाता है, जो भी वेरिएबल आ गया, जो भी एंगल है, जो भी है, वो नीचे आ जाता है। अगेन उस जो log के साथ वाला वेरिएबल है, जो भी फंक्शन है, उसका अगेन डेरिवेटिव ले जाते हैं, यानी d आगे है y, dy over dx is equal to। अब सर यहाँ पे दो फंक्शन बन रहे हैं, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे पास अल्जेब्रिक फंक्शन x है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन log of x है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमने दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है तो हमने लगाना है, जैसे कि दो फंक्शन है f एंड g, इनका डेरिवेटिव लेने हैं तो f सेम आएगा डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g सेम आएगा डेरिवेटिव ऑफ f। हमने ये चीज अप्लाई करनी है।
जी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब पहले x हम सेम लिख लेते हैं, log of x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर x। फिर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ही आएगा इसलिए नहीं लिखते, प्लस फिर log of x हम वैसे लिखते हैं, x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x 1 ओवर x प्लस log of x। जी तो 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू x से x कट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 1 प्लस नेचुरल log of x। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का, y x की पावर x की इक्वल है, उसके साथ 1 ओवर y, y डिवाइड है उस सेट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y into 1 प्लस नेचुरल log of x, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लेट की थी x की पावर x, तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर x into 1 प्लस नेचुरल log of x, यानी x की पावर x का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया सर, x की पावर x into 1 प्लस नेचुरल log of x माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। गुड, नीचे डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 नेचुरल log of x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 1 ओवर x आ जाएगा। जी इसके अंदर हम अगेन लिमिट पुट कर देते हैं, अगेन लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर x यानी 1 की पावर 1 into 1 प्लस log 0 log 1 माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1, 1 की पावर 1 1 आएगा, 1 प्लस log 0 1 है, ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, ये माइनस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 0, 0 ओवर 0 फॉर्म अगेन बन गई हमारे पास, जो कि अगेन इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है, हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा डेल हॉस्पिटल को, अप्लाई डेल हॉस्पिटल, हमने कब तक डेल्हास्कर रूल अप्लाई करना है, जब तक हमारे पास आंसर डिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ जाता, यानी एक हमारे पास नंबर में आ जाता है एग्जिस्ट कर लेते हैं या डिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है। जी देखेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर x इनटू 1 प्लस log x, अब ये भी हमारे पास एक फंक्शन है, अल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने क्या रूल अप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट रूल है हमारे पास f dot g equal to f dot g derivative plus g dot f derivative। जी पहले हम इसको वैसे रहने देंगे, f को वैसे रहने देंगे, g का डेरिवेटिव लेंगे, यानी x की पावर x वैसे आ जाएगा, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है 0, log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 ओवर x, माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, सॉरी इसके बाद हमने ये वैल्यू वैसे लिखी है, इसका डेरिवेटिव ले लिया 1 ओवर x आ गया, फिर हम ये वैल्यू वैसे लिखेंगे प्लस 1 प्लस log नेचुरल log ऑफ x, x की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे, x की पावर x का डेरिवेटिव हम पहले ले चुके हैं, ये सारा प्रोसीजर x की पावर x का डेरिवेटिव था, क्या आंसर है एक्सरसाइज का, इसका आंसर है x की पावर x into 1 प्लस नेचुरल log ऑफ x ओवर जीरो, जीरो था माइनस वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, प्लस वन ओवर एक्स, वन ओवर एक्स इसका डेरिवेटिव आएगा, हम रफ पे कर लेते हैं, वन ओवर एक्स का मतलब है एक्स की पावर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन, पावर पहले आ जाएगी, एक्स पावर में हम एक माइनस कर देंगे, यानी ये आएगा माइनस वन, एक्स की पावर आएगा माइनस टू, x पावर माइनस है नीचे आगे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 1 ओवर माइनस 1 ओवर x पावर 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। जैसा कि हमने 1 ओवर x को क्या लिखा है, x पावर माइनस 1, इसकी पावर नीचे 1 थी, ऊपर आके पावर क्या हो गई माइनस 1, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में एक काम कर देंगे, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 पहले था उसमें से एक काम कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। जी अब लिमिट अगेन पुट करेंगे, लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास देख लीजिए आंसर आएगा 1 की पावर 1 into 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस log 1, 1 की पावर 1, 1 प्लस log 1 ओवर माइनस 1 ओवर 1 का स्क्वायर। जी अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा,
प्लस इसका आंसर आएगा 1 प्लस लॉग 1 0 आएगा 1 प्लस 0 1 आएगा इनटू 1 1 प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होया ना ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन तो 1 3 टाइम मल्टीप्लाई होया तो आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 नीचे माइनस 1 होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 हमारे पास आता है 2 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ठीक हो गया तो अब हमारे पास इसका आंसर है वो डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया है अब इसका आंसर हमारे पास डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया देन यहां पे सॉल्यूशंस का स्टॉप हो जाएगा ठीक हो गया देन इसके अब यहां पे आके हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा जी दोबारा देखेंगे हमारे पास फंक्शन गिवन है क्वेश्चन गिवन है लिमिट पुट की तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है अगर आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे उसका ये है कि ऊपर वाले वैल्यू का अलग डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले वैल्यू का अलग डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल की पावर में वेरिएबल था इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इस वजह से हमने क्या किया एक्स की पावर को पहले लेके आया उसके लिए हमने टेक्निक यूज की नेचुरल लॉगरिथम वाली टेक्निक यूज की है उससे हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके हमने यहाँ वैल्यूज पुट की फिर भी आंसर हमारे पास जीरो ओवर जीरो फॉर्म यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आया फिर हमने डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो हमारे पास अगेन उसका जो आंसर आ गया माइनस टू आ गया इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं प्राउड टू बी अ मुस्लिम ऑलवेज कीप स्माइलिंग अल्लाह हाफिज़